तो भाई ये सामने ईरान का बॉर्डर है और हम इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। अभी देखें कितना रश है, तो लाइन लगी हुई है, इस तरह का माहौल है। ये सामने बॉर्डर है, ये ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, ये देखें पीछे, ये इस तरह का निज़ाम है सारा बॉर्डर से पहले। तो चल के आपको एंटर होके इंशाल्लाह दिखाते हैं क्या सिस्टम है। और ये मैं हूँ, तो ये इस तरह का कुछ सीन है। बाकी आपको चल के इंशाल्लाह नज़ारे करवाते हैं बॉर्डर के। ये जी ईरान का बॉर्डर है, ईरान एंटर होने लगी है, तो दुआ करना है आपका एंटर हो जाए, फिर इंशाल्लाह आगे चल के आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सो गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान बॉर्डर पर पहुँच चुका हूँ मैं। इमिग्रेशन जो है वो हो गई है और अब ये इन्होंने क्वारंटाइन के लिए यहाँ पर रखा है। ये मीर जावा के नाम से है, इन्होंने कोई सेंटर बनाया हुआ है। तो अभी जब रिज़ल्ट हमारा आएगा कोरोना का, उसके बाद जो है ना फिर ये अभी पासपोर्ट देंगे, फिर हम आगे जो है ना वो मूव कर सकते हैं। तो अभी कुछ इस तरह का माहौल है, इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पर। जो काफ़िले के साथ आती हैं, जो वैसे ही अपना अकेले आती हैं, वो सब यहाँ पर क्वारंटाइन है। तो रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ फिर ये एक्सक्लूसिव जो अपडेट है वो शेयर करता हूँ। तो ये सेंटर है, कुछ बॉर्डर के साथ ही है, यहाँ पर हम आए बस के ज़रिए। तो अभी जुमे का दिन है, जुमे का टाइम हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह जुमे के बाद जो आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा, तो आपने बस दुआ में याद रखना है। तो ये देखें, ये मेरे पीछे ये जो है ना ये मस्जिद है, ये सेंटर आपने देख ही लिया, मीर जावा सेंटर है। सो गाइज, ये कुछ इस तरह की मस्जिद है, ये देखें। अभी नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो भाई ये ईरानी खाना खा रही है, जावा सेंटर में भी लिया है ये 50,000 तुमान का, तकरीबन 350 पाकिस्तानी। ये ब्रेड है, चावल है, ये चिकन का पीस है, ये प्याज है, ये कोल्ड ड्रिंक है। तो ये बस खा रहे हैं हम जी। तो गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट हमें मिल गया है और एक दिन बाद रिज़ल्ट आना था, तो रिज़ल्ट नेगेटिव है, तो पासपोर्ट मिल गया है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर आगे जाके आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है, जैसे भी होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ मैं। तो आपने बस दुआ में याद रखना है। सो गाइज, ये हम ईरान एंटर हो गए हैं और ये ज़ायदान का कुछ इलाका है। अभी हमने चेक पोस्ट पे एंट्री करवाई है, तो ये ज़ायदान जो ईरान में है उसका इलाका है। तो हम बस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ये कुछ सीन्स, कुछ व्यूज़ ईरान के रोड्स वगैरह, तो ये इस तरह से हैं। तो गाइस, निकल गए हैं हम इंशाल्लाह ज़ायदान के लिए। तो रास्ते में रुके हैं, ये गाड़ी की यहाँ पर्ची लगी है, तो ड्राइवर ने यहाँ गाड़ी रोकी है, तो यहाँ पर हम रुके हैं। ये कुछ इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पर, तो ये हम ज़ायदान की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह पहुँच के आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे के क्या प्लान है और क्या कुछ है। तो ये इस तरह के कुछ व्यूज़ हैं ये जी। तो गाइस, अब हम आ गए हैं ज़ायदान, तो अब हम निकल रहे हैं मशहद के लिए। तो ये ज़ायदान का बस टर्मिनल है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये कुछ ऐसा माहौल है इधर का, और भी लोग हैं काफ़ी। तो ये ज़ायदान
के बाद अब हम इंशाल्लाह मशहद के लिए जा रहे हैं, वहाँ इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। तो मैंने कहा चले आपको अपडेट कर दूँ। तो ये कुछ ज़ैदान का बस टर्मिनल है।